नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। राहुल गांधी ने एक आरोप फिर से एक बार गौतम अडानी पर लगाया है। कई बार वो गौतम अडानी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते हुए नजर आते रहते हैं, कई बार सदन में भी, कई बार खुले मंचों पर भी। और अब इस मामले में उन्होंने फिर से एक बार गौतम अडानी पर आरोप लगाया है और उन पर करोड़ों रुपए की, बल्कि अरबों रुपए की चोरी का आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में सफाई की मांग की है। लेकिन सवाल ये है कि किस मामले में गौतम अडानी पर उन्होंने ये आरोप लगाया है। दरअसल 12 अक्टूबर को फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी हुई थी और इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर आरोप लगाया है कि वो कोल प्राइसेस को ज्यादा दिखाते हैं और साथ में दाम बढ़ाकर आपकी जेब से, यानी कि देश के आम नागरिकों की जेब से वो पैसे मारते हैं एक तरीके से। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें लगभग 12,000 करोड़ रुपए आम नागरिकों की जेब से गौतम अडानी ने चोरी किए हैं, ऐसा आरोप राहुल गांधी का है। लेकिन सवाल ये है कि यह आरोप और जो कोल प्राइस बढ़ाने का ये जो मामला है, वो मामला है क्या? ये मामला सबसे पहले आपको विस्तार से समझाते हैं। 12 अक्टूबर को फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी। इस रिपोर्ट का नाम था द मिस्ट्री ऑफ द अडानी कोल इंपोर्ट दैट क्वाइटली डबल इन वैल्यू। इस शीर्षक से फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी गई थी और इस रिपोर्ट में भी साफ तौर पर बताया था कि किस प्रकार से गौतम अडानी एक तरीके से भारत में बिजली का दाम जो है, भारत के लोगों से पैसा लेते हैं, एक तरीके से उनकी जेब से पैसा मारते हैं, और यही आरोप राहुल गांधी ने भी लगाया। फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जनवरी 2019 में 229 मीटर लंबा बल्क व्हीकल जिसका नाम डीएल एकेशिया है, वो उसके मालिक के साथ इंडोनेशिया के केलियोरंग बंदरगाह से रवाना हुआ। इस जहाज में भारत के एक थर्मल पावर हाउस के लिए कोयला भरा हुआ था। फाइनेंशियल टाइम्स ने इसमें कहा है कि यात्रा के दौरान जहाज में लदे हुए कोयले का मूल्य दोगुना हो गया। एक्सपर्ट रिकॉर्ड में इसकी कीमत लगभग $1.9 मिलियन थी, साथ ही लोकल कॉस्ट के लिए $42,000 अलग से आवंटित थे। फाइनेंशियल टाइम्स का आरोप है कि अडानी द्वारा संचालित भारत के सबसे बड़े कमर्शियल पोर्ट मुंद्रा पोर्ट में पहुंचने पर इस कोयले का इंपोर्ट प्राइस $4.3 मिलियन दिखाया गया था। बहुत बड़ा एक तरीके से ये बहुत ज्यादा दिखा दिया गया था। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि डीएल एकेशिया कार्गो अडानी एंटरप्राइजेस द्वारा भारत में इंपोर्टेड 30 शिपमेंट में से एक था। फाइनेंशियल टाइम्स का ये भी दावा है कि इंडोनेशिया रिकॉर्ड्स के अनुसार इन 30 बार की ट्रांजेक्शन में कुल 3.1 मिलियन टन कोयले की लागत यानी कि $139 मिलियन थी, साथ ही इंडोनेशिया में शिपिंग और बीमा लागत $3.1 मिलियन थी। लेकिन भारत में सीमा शुल्क अधिकारियों को इस कोयले का मूल्य $215 मिलियन बताया गया। इससे पता चलता है कि कोयले के इंडोनेशिया से भारत आने से $73 मिलियन का मुनाफा हुआ है। साफ तौर पर $73 मिलियन का मुनाफा हुआ है और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर यह आरोप लगाए हैं। और भी बहुत सारी चीजें उस रिपोर्ट में लिखी गई हैं और यही गौतम अडानी पर आरोप लगाए हैं। आपको पहले वो वीडियो दिखा देते हैं, इसको अच्छी तरह देखिए। फाइनेंशियल टाइम्स ऑफ लंदन, दिस स्टोरी वुड ब्रिंग डाउन एनी गवर्नमेंट। दिस इज डायरेक्ट थेफ्ट बाय अ मैन हु इज बीन प्रोटेक्टेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पहले हमने 20,000 करोड़ रुपए की बात की थी और सवाल पूछा था ये पैसा किसका है। अब पता लगता है 20,000 करोड़ का फिगर गलत था, उसमें 12,000 करोड़ और ऐड हो गए हैं, तो अब टोटल फिगर 32,000 करोड़ का हो गया है। अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अडानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। बिजली के दाम बढ़ते जा रहे हैं और अडानी जी ओवर इन्वॉइसिंग करते हैं। याद रखिए, जैसे ही आप स्विच दबाते हो, चाहे वो बल्ब हो, पंखा हो, बिजली का पंप हो, याद रखिए अडानी जी के जेब में सीधा पैसा जा रहा है और अडानी जी की रक्षा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठ रहा है। गांव-गांव में लोगों को मालूम है कि अडानी जी ने चोरी की है। मैं प्रधानमंत्री की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम क्लीन, स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, डिफेंड योर क्रेडिबिलिटी। पर प्रधानमंत्री अपनी क्रेडिबिलिटी की रक्षा नहीं करना चाहते क्योंकि
शायद कोई और कारण है। मैंने सवाल पूछा था, पता नहीं है किसका पैसा है, शायद ये अदानी जी का पैसा नहीं है, शायद ये किसी और का है। तो ये था ये पूरा मामला, और इस मामले पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से, नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर जवाब मांगा है। वो उनका आरोप भी ये रहा है कि अडानी जी इंडोनेशिया से कोयला खरीदते हैं और भारत में पहुंचते ही वो बदल जाता है, उसकी गलत कीमत दिखाकर ज्यादा पैसा वसूलने का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। और पीएम मोदी से इस मामले में सफाई की मांग की है, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट उन्होंने दिखाई थी। तो कुल मिलाकर के ये वो पूरा मामला है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अडानी ग्रुप ने इस मामले में साफ तौर पर, आपको बता दें कि अडानी ग्रुप ने इस मामले में इस आरोपों को, फाइनेंशियल टाइम्स के भी इन आरोपों को निराधार बताया है, और इस मामले में अब केंद्र की ओर से प्रतिक्रिया आनी बाकी है। हालांकि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं और ये कहा है कि इस मामले में आप जवाब दें, वो कह रहे हैं कि मैं उन्हें जांच के लिए कह रहा हूं, लेकिन पीएम मोदी जांच नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें राहुल गांधी ने इस दौरान कही है। लेकिन सवाल ये है कि VK News, राष्ट्र के नाम।